So hello guys, welcome to pharmacophore. In this video we are going to discuss about molecular docking, जो कि टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का. सो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि मोलिकुलर डॉकिंग होता क्या है, फिर उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि मतलब किस पे वो बेस्ड है, और फिर हम पढ़ेंगे वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फिर हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह, और फिर हम पढ़ेंगे कि इंट्रैक्शन कौन कौन सी होती है मॉलिक्यूलर डॉकिंग में, और कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं, और फिर हम एंड में पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन. सो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो गाइस, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास ये इमेज है, और इस इमेज में क्या है, जो ये ग्रे पार्ट है वो है लीगेंड, मतलब एक स्मॉल मॉलिक्यूल, और जो पीछे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं ब्लू ग्रीन कलर के, ये है प्रोटीन. तो इसमें हम ये दोनों डॉकिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे में कनेक्ट हो जाना, फिट हो जाना. सो ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग है बेसिकली. सो हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिसेप्टर होस्ट या लोक. तो जैसा कि हमने दिखाया था, जो हमारा ये वाला एरिया है सारा, ये है ये वाला रिसेप्टर है ये, या फिर हम इसको होस्ट या फिर हम इसको लोक बोलते हैं. तो ये क्या है, बेसिकली प्रोटीन है और लार्ज इन साइज है. दूसरा क्या है हमारे पास, लीगेंड, जिसको हम गैस या फिर हम की बोलते हैं. सो ये है जो मॉलिक्यूल जो बाइंड रिसेप्टर से, जो कि स्मॉल है, जो हमारा ग्रे पार्ट था. अब जो थर्ड चीज़ है वो है डॉकिंग. डॉकिंग क्या चीज़ होती है, सो डॉकिंग होती है ओरिएंटेशन ऑफ लीगेंड बाइंडिंग साइट टू आर रिसेप्टर, कि उसका ओरिएंटेशन हो जाना बाइंडिंग साइट पर रिसेप्टर का. तो मतलब रिसेप्टर बेसिकली हम पे बड़ा मॉलिक्यूल है, और जो लीगेंड है वो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो उसमें फिट हो रहा है, और डॉकिंग हो रहा है उन दोनों का अटैच हो जाना. अब उसके बाद है बाइंडिंग मोड, कि वो किस कॉन्फॉर्मेशन पे बाइंड हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन बन जाती है उसकी, कॉन्फॉर्मेशन होती है, तो वो कॉन्फॉर्मेशन होता है बाइंडिंग मोड. उसके बाद पोज होता है, तो ये भी एक बाइंडिंग मोड का ही एक और टर्म है. उसके बाद स्कोरिंग. अब स्कोरिंग क्या होता है, कि जो एक पर्टिकुलर पोज पे कितने नंबर इंट्रैक्शन हो रही है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि कितने जो लीगेंड हैं, मतलब कितने जो लीगेंड हैं मतलब वो रिसेप्टर पर बाइंड कर पा रहे हैं, वो होता है स्कोर. मतलब हम तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फिट करवाते हैं, पर उसमें से क्या होता है कि सपोज करो कि 50 ही कर पाए अटैच, तो 50 उसका स्कोर है. ठीक, उसके बाद आती है रैंकिंग. तो रैंकिंग में हम करते हैं कि जो बेस्ट होते हैं उसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उस मतलब रैंक वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं. उसके बाद हिट. हिट वो होता है जो लीगेंड होता है विद हाई रैंक. ठीक है, उसके बाद एक लीड होती है. लीड वो होता है जो हिट विद बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो बायोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है उसको हम बोलेंगे लीड, और हिट बोलेंगे जो हाई रैंक पे है. ठीक है, उसके बाद आती है फार्माकोफोर. फार्माकोफोर में क्या होता है, जो हर किसी मॉलिक्यूल का अलग अलग करेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, तो वो करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं फार्माकोफोर. जैसे हमारे अंदर भी कोई टैलेंट होता है, कि कोई बोलने में अच्छा है, कोई टीचिंग में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, तो वो उसके करैक्टर है. ऐसे ही हर मॉलिक्यूल के अलग अलग करैक्टर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोफोर. उसके बाद है रैशनल ड्रग डिज़ाइन. तो ये ड्रग डिज़ाइन में भी एक मतलब उसका पार्ट है रैशनल ड्रग डिज़ाइन. इसमें हम बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के बेस पे या लीगेंड के बेस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं. उसके बाद QSAR है, तो यह है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना. नेक्स्ट ड्रग डिज़ाइन, तो ड्रग डिज़ाइन आपको पता ही है, डिज़ाइन ऑफ लीगेंड. ठीक है, सो ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो आगे हमें हेल्प करेंगे इस लेक्चर में. सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि डॉकिंग की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है. तो डॉकिंग क्या है, इज अ मेथड विच प्रेडिक्ट दैट प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ सेकंड व्हेन बाउंड टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ओवरऑल मिनिमम एनर्जी. सो डॉकिंग वो मेथड है जो प्रेडिक्ट करेगा कि मतलब वो कैसे फिट होगा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कि वो कम से कम एनर्जी रिलीज करे. सो जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल कंपाउंड होगा. ठीक है, उसके बाद एम ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज टू अचीव एन ऑप्टिमाइज्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन प्रोटीन लिगेंड एंड दैट डेल्टा जी इज मिनिमाइज्ड. तो मेन एम है कि डेल्टा जी बहुत कम होना चाहिए और वो अच्छे से फिट हो जाए. उसके बाद इंट्रोडक्शन है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, और ये ऐसे फिट हो गया. ये सेम वही बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग में, कि रिसेप्टर लीगेंड अच्छे से अटैच हो जाए,
और ये टारगेट मॉलिक्यूल है और ये लीगेंड है और ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया जो उसकी बाइंडिंग साइट है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट आता है वो है लोकेन की। लोकेन की में क्या होता है गाइस, सो फाइंडिंग द करेक्ट रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द की व्हिच विल ओपन अप द लॉक। सो जैसा कि हम अपने देखते हैं अपने घर में कि एक लॉक होता है और एक की होती है उसकी, सो ये भी उसी तरह का होता है कि जो हमारा लॉक है वो तो गया रिसेप्टर और जो की है वो गया लीगेंड। तो उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए और प्रॉपर बाइंडिंग साइट चाहिए सो डेट वो ईजिली उसमें अटैच हो जाए। सो उसके बाद उस पर्टिकुलर साइट होती है उसके अटैच होने की पूरे लॉक में। तो ऐसा ही हमारे पास रिसेप्टर में होता है कि एक पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे आके हमारा लिगेंड है वो अटैच होगा। उसके बाद ऑन द सरफेस ऑफ द लॉक इज द की होल, ठीक है। तो यही बात कह रही है, इन विच डायरेक्शन टू द टर्न द की आफ्टर इट इंसर्टेड। तो कौन सी डायरेक्शन में उसको हमें घुमाना है या फिर किस पोजिशन पे हमको बेसिकली उसे इंसर्ट करना है, तो वो सारी एक स्पेसिफिक साइट होती है। नेक्स्ट द प्रोटीन कैन बी टोट ऑफ द एज अ लॉक एंड द लिगेंड कैन बी टोट एज द की। सो सेम वही जो हम पहले में डिस्कस किया है कि प्रोटीन अपना लॉक है और जो लिगेंड है वो की है। नेक्स्ट की हमारी क्या इंपॉर्टेंस है मॉलिक्यूलर डॉकिंग की, हम करते क्यों है। सो फर्स्ट जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रैशनल डिजाइन ऑफ ड्रग। तो रैशनल डिजाइन ऑफ ड्रग हम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर और लिगेंड के बेस पे हम ड्रग डिजाइन करते हैं। तो उस वो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग है स्कोर फंक्शनिंग, स्कोरिंग फंक्शन। सो इसका सेम कि हमें स्कोर जानने के लिए कि हमारी जो ड्रग है वो कितनी कामयाब है उसके लिए हम बेसिकली इसको करते हैं। थर्ड वन इज बाइंडिंग मोड, बाइंडिंग मोड को जानने के लिए उसके एक्टिव साइट को जानने के लिए हम इसको करते हैं। जो नेक्स्ट थिंग है वो है टाइप ऑफ डॉकिंग। सो फर्स्ट है रिजिड डॉकिंग और सेकेंड है फ्लेक्सिबल डॉकिंग। सो रिजिड डॉकिंग जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि रिजिड है, मतलब बिल्कुल भी वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी वो एकदम टाइट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका ड्रॉबैक क्या है कि रिजिड डॉकिंग पॉसिबल है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिगेंड है वो मूव करता रहेगा, प्रोटीन भी मूव करता रहेगा। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो डॉकिंग होती है कैन बी बिटवीन प्रोटीन और लिगेंड के बीच में हो सकती है, प्रोटीन प्रोटीन के बीच में हो सकती है और प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड के बीच में हो सकती है। फिर टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, थर्ड होता है स्टेरिक फोर्स और या फिर सॉल्वेंट रिलेटेड फोर्स भी हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, जो चार्जेस के बेस पे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स कौन सी होती है, जैसे वैन डेर वाल इंटरेक्शन होती है। स्टेरिक फोर्स भी हो जाती है एंट्रोपी के कारण, और सॉल्वेंट रिलेटेड फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जो होती है। सो हमको एक बात याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पर अगर इनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो पॉइजन क्रिएट हो जाएगा। अब पॉइजन क्रिएट कैसे होगा कि अगर जो हमारा लिगेंड है और जो हमारा रिसेप्टर है अगर वो बाइंड हो गए और कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड हो गए और वो अलग नहीं हो पाए तो वो क्या करेंगे, पॉइजन क्रिएट करेंगे। सो हमको ये याद रखना जरूरी है कि जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पॉइजन ना कर जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो बाइंड नहीं हो पाए। तो मतलब एक एवरेज सा हमें फोर्स चाहिए इनमें। उसके बाद ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं गाइस जो हम बेसिकली काफ़ी यूज़ करते हैं। फर्स्ट है संजीवनी जो IIT दिल्ली में बेसिकली डेवलप हुआ है। सेकेंड वन इज़ गोल्ड विच इज़ इन कैम्ब्रिज UK। ऑटोडॉक भी काफ़ी यूज़ करते हैं हम US में। जैम डॉक, हेक्स प्रोटीन डॉकिंग एंड ग्रैम। सो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट, और आपको पता होगा कि ये जो सारा मॉलिक्यूलर डॉकिंग वाला जो सिस्टम है ये सारा कंप्यूटर बेस्ड है। सो ये सारी स्टडी हम कंप्यूटर पे ही करते हैं। सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम किस किस के लिए करते हैं, तो हिट आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। सो हिट क्या था, हमने पढ़ा था कि हिट वो होता है जो रैंकिंग में सबसे टॉप पे है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। लीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इसको करते हैं, ड्रग डिस्कवरी के लिए बेसिकली। और जो लास्ट है वो है बायो रेमिडिएशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो हमने आज इसके पढ़े एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स पढ़े, टाइप्स पढ़े कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमने उसके इंटरेक्शंस पढ़ी कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंस की क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड इन द लास्ट हमने पूरी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी। सो यही था गाइस इस वीडियो में आज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड ज्वाइन अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।